इंडिया के आगरा में यमुना नदी के किनारे साल 1632 में सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनकर तैयार हुआ, जिसे सारी दुनिया सातवें अजूबे के नाम से जानती है। इस खूबसूरत मकबरे को एक बादशाह ने अपनी पसंदीदा बीवी की याद में बनवाया था। 42 एकड़ में फैला हुआ यह मकबरा दूर से ही आंखों को लुभाता है, लेकिन खूबसूरती से लैस इस मकबरे ने अपने अंदर सुंदरता के साथ साथ ना जाने कितने रहस्य छिपा रखे। आज से 400 साल पहले बनकर तैयार हुई इस खूबसूरत बिल्डिंग को बनाने में करीब 20,000 मजदूरों ने रात दिन एक कर दिया था, और वो भी एक या दो साल तक के लिए नहीं बल्कि 22 सालों तक के लिए। इतने लंबे समय की कड़ी मेहनत और खून पसीने से बना यह मकबरा आज दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाए बैठा है। इस बेशकीमती इमारत की कीमत आज के समय में करीब 7,500 करोड़ से भी ज्यादा की कही जाती है। इस खूबसूरत बिल्डिंग को बनाने में मुगल आर्किटेक्चर्स ने अपनी कला की ऐसी छाप छोड़ी थी कि आज तक दुनिया का बड़े से बड़ा इंजीनियर भी इन्हें नहीं समझ पाया। इस जादुई इमारत को कुछ इस तरह से बनाकर तैयार किया गया कि जब इसे मेन गेट से देखा जाता है तो ये देखने में बहुत बड़ा दिखता है, और जब अंदर एंट्री की जाती है तो फिर ये बहुत छोटा दिखने लगता है। आज महल के चारों किनारों पर खड़े किए गए ये मीनार देखने में बिल्कुल सीधे नजर आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चारों मीनार हल्का सा बाहर की तरफ झुके हुए हैं। मुगल आर्किटेक्चर्स इतने काबिल थे कि उन्होंने पहले ही प्राकृतिक आपदाओं से इस इमारत को बचाने का तरीका सोच लिया था। ये मीनारें जो चारों तरफ से बाहर की ओर झुकी हुई हैं, अगर इन्हें सीधा रखा जाता तो दूर से देखने में ये अंदर की तरफ झुकी हुई नजर आती। इसके साथ ही बाहर की तरफ झुके होने की वजह से अगर कभी भूकंप जैसी समस्या आती तो ये चारों मीनारे बाहर की साइड गिरेंगे और इससे अंदर खड़ी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसमें आखिर ऐसा भी क्या था जिसे बनाने वालों ने इसे किसी बेशकीमती हीरे जवाहरात की तरह संभाल कर रखा था, जो इस पर एक खरोंच तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दरअसल ताजमहल को जिस दौर में बनाया जा रहा था उस समय ना स्टील हुआ करती थी और ना ही कॉन्क्रीट। ये सोचने वाली बात है कि फिर इस भव्य इमारत को किस तरह बनाया गया। ताजमहल की इमारत मोहब्बत की उस दास्ता को बयां करती है जो दुनिया के जहन में सालों साल में रमी हुई है। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1607 से, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर मुगलों का बोलबाला हुआ करता था। यह दिन मुगल साम्राज्य में बहुत खास था। इस दिन आगरा फोर्ट में बहुत चहल पहल थी। पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आगरा के इस किले में आज बादशाह के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का जन्मदिन था। ये बादशाह के सबसे लाडले बेटे थे। हर साल इनके जन्मदिन पर इन्हें हीरे जवाहरातों से तोला जाता था, लेकिन इस बार कुछ और भी हुआ था। राजा ने इनका विवाह अपने दरबार के वकील की बेटी मुमताज महल से करवा दिया था, और यहीं से शुरू होती है शाहजहां और मुमताज की अमर प्रेम कहानी। शाहजहां की 6 बीवियां थी, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ मुमताज को खोजा करती थी। वक्त गुजरा और जैसे इनकी खुशी को किसी की नजर लग गई। मुमताज जब शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तब ना चाहते हुए भी वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस खबर ने मानो शाहजहां की दुनिया ही खत्म कर दी थी। बेगम की मौत के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक अन्न का एक दाना तक मुंह में नहीं डाला। अंधेरे ने इस कदर उन्हें घेर लिया था कि आने वाले 2 सालों तक ना तो उन्होंने कोई राग सुना और ना ही परफ्यूम लगाया। मरते मरते मुमताज बेगम ने शाहजहां के सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश रखी कि उनके दुनिया छोड़ जाने के बाद उनका मकबरा दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में बनवाया जाए, जिसे पूरा करने के लिए बादशाह ने इस ताजमहल का निर्माण करवाया। मुमताज के जाने के 6 महीने बाद से ही इस बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इसे बनाने के लिए पूरी सल्तनत से एक से बढ़कर एक कारीगरों को इकट्ठा किया गया। काम शुरू हुआ, लेकिन इस इमारत को बनाने में सबसे बड़ी बाधा अगर कुछ थी तो वो थी यमुना नदी। मुमताज बेगम का मकबरा जिस नदी के किनारे था, वहाँ किसी इमारत को बनाना नामुमकिन सा था। नदी के किनारे की मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है, और ऐसे में अगर यहाँ ताजमहल को बनाया जाता तो इसमें कोई शक नहीं है कि नदी का बहाव ताजमहल को नुकसान पहुँचाता। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उस जमीन पर बहुत सारे कुएं खोदे गए, जिसके बाद उन कुओं को मिट्टी और पत्थरों से भरा गया और इस पर पत्थरों के ब्लॉक बनाए गए। देखते ही देखते मुगल इंजीनियर्स ने दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में शुमार ताजमहल की नींव बना दी थी। ये नींव इतनी ज्यादा मजबूत थी कि मिट्टी चाहे कितनी भी सॉफ्ट क्यों ना हो, वो इमारत को टस से मस नहीं कर सकती थी। इसके बाद शुरुआत होती है एक ऐसी बिल्डिंग को खड़ा करने की कहानी, आज तक जो किसी ने नहीं देखा हो। इस खास इमारत के डिजाइन का आइडिया किसी इंजीनियर का नहीं था। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादाओं की इमारतों से लिया था। बाप यानी कि अकबर के मकबरे से उन्होंने दीवारों का आइडिया लिया, और दादा यानी हेमू की दीवारों से बिल्डिंग के कोर का आइडिया लिया, और अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया गया। जब 3 पुश्तों की इस कारीगरी को एक साथ लेकर आया गया तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बन गई, जिसे देख कभी आंखें नहीं भरती। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस इमारत को बनाने के लिए ईंटें कहीं से मंगवाई नहीं गई थी, बल्कि करोड़ों की संख्या में मौके पर ही बेक की गई थी। इस बिल्डिंग को बनाने में शाही खजाना तेजी से घटता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी की नहीं पड़ी थी। उन्हें सिर्फ अपनी बेगम की आखिरी ख्वाहिश दिख रही थी। खबरें बताती है कि इसे बनाने में लगे हुए मजदूरों को खाना खिलाने के लिए शाहजहां ने आसपास के सभी गांवों से अनाज मंगवा लिया था, जिसके बाद उन गांव के लोगों के पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा था। समय बीता और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका था। अब बारी थी इसे सफेद चमकते हुए संगमरमर से ढकने की, जिसके लिए संगमरमर आसपास के बजाय आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाए गए थे। और कहा जाता है कि यहाँ मिलने वाला मकराना मार्बल दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्बल है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए इस पूरे मार्बल पर अपना हक जमा लिया था, और ये खास हिदायतें दी थी कि जब तक ताजमहल को बनाने
का सारा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक व्यापारी इसे कहीं और नहीं बेच सकते। 1000 हाथियों के हेल्प से इस मार्बल को बड़ी ही सावधानी के साथ राजस्थान से आगरा लाया गया। ताजमहल पर दिखने वाला ये 40 मीटर का डोम इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। आज इसे बड़ी आसानी से नई तकनीकों और स्टील की मदद से चुटकियों में बना दिया जाता है, लेकिन उस समय इसे बनाने के लिए कारीगरों के पास सिर्फ टुकड़ों के पत्थर पड़े हुए थे। ताजमहल के फिनिशिंग के लिए इसे पाइट्रा डोरा और प्राचीन कारी से डिजाइन किया गया, जिसके बाद ये महल बनकर तैयार हो चुका है। ताजमहल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये दिन भर में 4 बार अपने रंग बदल लेता है।